यार मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में कंसीडर करने वाले हो। श्वेता वो मेरी माँ है और उनको सपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है यार, स्पेशली अब पापा भी नहीं है। यार मैं समझती हूँ कि उनके लिए टाइम डिफिकल्ट है, पर यार अभी उनकी उम्र ही क्या है, इतनी यंग है वो। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब ऑब्वियसली उनकी जिम्मेदारी हमारे सर पे ही पड़ने वाली है ना, तो अभी उनको लाने रहने देते हैं ना यार। क्या बात कर रही हो श्वेता, यार वो मेरी माँ है और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको अपने साथ रखूं, स्पेशली अब पापा भी नहीं है तो वो अपने आप को और भी अकेला पाती है। माँ यहाँ पे आ जाएंगी तो तुम उन्हें एटलीस्ट कंपनी तो दे पाओगे ना। एक्सक्यूज मी, कंपनी? व्हाट डू यू मीन? तुम क्या चाहते हो कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के घर पे बैठ जाऊं उनको कंपनी देने के लिए? तुम्हें नौकरी छोड़ने के लिए किसने बोला यार? तो क्या मतलब है तुम्हारा, यही तो मतलब है ना तुम्हारा। और यार वो आके इतना इंटरफेयर करने लग जाएंगे ना मेरी लाइफ में, तो मैं वो सहने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें बता रही हूँ ऑलरेडी। फालतू का सोच रही हो? क्योंकि मुझे हर चीज अपने हिसाब से करने की आदत है। बस करो श्वेता, बहुत हो गया। मामा हमारे साथ यहाँ रहने आएंगे, दिस इज द डिसीजन। ओके, मुझे स्टॉप में फालतू की बात करनी है। आ जाओ मम्मा। जीते रहो बेटा। चलिए मम्मी जी, ये वाला रूम आपका है, आप जाकर रेस्ट कर सकते हो। नहीं श्वेता यार, इस रूम में एसी नहीं है। मम्मा आप हमारे रूम में सो जाना। मम्मी जी एसी है तो आप रेस्ट कर लेना, हम तो इधर भी सो जाएंगे। पर मुझे एसी में सोने की आदत है। मम्मी तो वैसे भी गांव में रहती है, वहाँ एसी थोड़ा ना होता है। कैसी बातें कर रही हैं? फैन के नीचे रह लेंगे ना, है ना मम्मा? अरे बेटा ठीक ही तो बोल रही है, मुझे कहाँ आदत है एसी की, पंखा काफी है मेरे लिए। मम्मा हम सो जाएंगे, कोई बात नहीं इधर। अरे राज मम्मी इतना इंसिस्ट कर रही हो तो मान जाओ ना। मम्मी जी कितना सारा ऑयल डाल दिया आपने, ये बहुत अनहेल्दी होते हैं, हम ऐसा खाना नहीं खाते हैं। अरे बेटा बचपन से मैंने मेरे राज को खूब खिला पिला के बड़ा किया है और उसे मेरे हाथ का ऐसा खाना बहुत पसंद है। मम्मी जी अब उनकी आदतें ना बदल गई हैं और हम दोनों को ना लंबे टाइम तक जिंदा रहना है। ऐसा ऑयली खाना खिला खिला के तो पापा हार्ट पेशेंट बने थे। और तुम क्या बकवास कर रहे हो श्वेता, तुम्हें पता भी कि तुम क्या बोल रही हो? क्या गलत बोल रही हूँ मैं? धोती है। अरे बेटा वो सही तो बोल रही है, वो मुझे यही समझा रही है कि ज्यादा तेल खाना नहीं चाहिए। हेलो माँ। हाँ बेटा। मम्मी जी को आया अभी 2 दिन भी नहीं हुए और आते ही कलेश शुरू हो गए हैं। राज ना हर चीज में उनका ही फेवर लेते हैं, ऐसा तो मुझे लग रहा है मम्मी धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लेगी राज को। अरे तू तो ये सोच ली ना कि घर पर फ्री में तुझे पाई मिल गई, आराम से उसे खाना बनाने दे दिया कर और तू घर आराम से जो तुझे करना है। ये तो आप ठीक बोल रहे हो माँ, पर माँ मुझसे चिक चिक नहीं सुनी जाती, आपको पता है। जब काम करके थक जाएगी ना तो चली जाएगी अपने गाँव, और अगर नहीं गई तो फिर कुछ और तरकीब निकाल लेंगे। चलो ठीक है, ओके माँ कॉल करते हैं। मम्मी हम ऑफिस निकल रहे हैं, शाम को खाना बना के खा लेना, हम लोग लेट आएंगे खाना खा के, हम मूवी देखने जा रहे हैं शाम को। मूवी देखने? हाँ। फिर ऐसे कर देना मम्मा को भी साथ में ले जाते हैं। क्यों मम्मा, आपको याद है जब बचपन में पापा की पोस्टिंग शहर में होती थी तो हम सबको साथ में ले जाते थे। अरे राज अभी इस उम्र में सिनेमा हॉल थोड़ा ना जाएंगी मम्मी, 3-3 घंटे बैठना पड़ता है और वैसे भी मम्मी को पेट दर्द रहती है, 3 घंटे बैठ थोड़ा ना पाएंगी। क्यों मम्मी जी? ठीक है तो बोल रही है बेटा, अब ये सब करने की तुम्हारी उम्र है,
मैं घर पे रह के कुछ बना के खा लूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मा, फिर हम चलते हैं। ओके अपना ख्याल रखना। तो तुम्हें किसने कहा था मेरी एब्सेंस में घर का ये काम करने को? ये तो शुक्र है मम्मा घर पे, इसलिए तुम्हारी केयर हो गई। मेरा बस चले तो मैं अभी आ जाऊं घर, बट वर्क के कारण नहीं आ पाऊंगा। अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूं घर पर। मैं ले गई थी इसे हॉस्पिटल और डॉक्टर ने बोला है कि एक हफ्ते की बेड रेस्ट करेगी तो ये जल्दी ठीक हो जाएगी। पर मैं ऑफिस कैसे करूंगी इस तरह से? मैं इतनी छुट्टी नहीं ले सकती हूँ यार। कोई बात नहीं श्वेता, तुम ऐसे करना, वर्क फ्रॉम होम के लिए अप्लाई कर देना, जब ठीक हो जाओ फिर से ज्वाइन कर लेना। हाँ अब तो वही करना पड़ेगा, और ऑप्शन थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है तुम रेस्ट करो, मैं इवनिंग में मिलता हूँ। बाय। ओके बाय। अरे बेटा खुद से कुछ मत कर, मैं हूं ना। Yes sir, it's getting better. Hey, I'm healing. Thank you for the concern, sir. Thank you so much. Okay. Yes, mummy. अरे मम्मी जी कोई बात नहीं, मुझे नहीं। अरे लो। अरे नहीं पीना। लो। आपने पिया कुछ? Thank you, mummy जी. मैं ट्रीपा पिस चाहती हूँ। अरे बेटा मेरे गांव की टिकट ही करवा दो। पर क्यों माँ? वैसे भी मैं कुछ दिन के लिए तो आई थी, वो बीच में बहू बीमार हो गई तो मुझे लगा इसे मेरी ज्यादा जरूरत है, इसलिए कुछ टाइम मैं और रुक गई। वैसे भी मेरा मन गांव में ही लगता है, उनकी यादें, तेरे बचपन की यादें, सब कुछ तो गांव के घर में ही है। पर माँ वहाँ पे अकेले नहीं रहेंगे, अब प्लीज हमारे पास रुक जाओ प्लीज। पर बेटा आई एम रियली सॉरी, आपके आने से पहले तक और इनफैक्ट आने के बाद भी मैं आपके बारे में बहुत बुरा भला सोचती रही। मैं नहीं चाहती थी कि आप हमारे साथ रहो, पर जिस तरह से आपने मेरा ख्याल रखा, इतना प्यार दिया, शायद से मेरी खुद की मम्मी भी नहीं रख पाती। आई एम रियली सॉरी मम्मी जी, आपके लिए इतना बुरा सोचने के लिए। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। तो एक काम करिए ना, आप हमारे साथ रह लीजिए, अभी तक आपने हमारी सेवा की, अब हमें भी मौका दो आपकी सेवा करने का। पर बेटा प्लीज मम्मी जी, प्लीज माँ, प्लीज मम्मी जी मान जाइए ना, हमारे साथ रह लीजिए ना। प्लीज 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 मम्मी जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। और हाँ आज शाम को मूवी देखने चलते हैं। डन। ठीक है मम्मा को लेके जाएंगे। कौन सी मूवी?
गदर गदर आपके जमाने की है ना। गदर। 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 गदर।